नमस्कार दर्शकों, सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम ग्रहों की माया में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, कोई समस्या हो तो फोन करें, ज्योतिष या वास्तु से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप सीधा फोन करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले कॉल लेंगे। हेलो, हेलो जी, स्वागत है आपका, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं शारदा से बोल रही हूँ। जी, किसके बारे में जानना चाहेंगे, बोलिए। जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में जानना था। आप उसका नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। उसका नाम है दिया चौधरी जी। उसका है, डेट है जन्म की 2004। डेट बताएं पहले, डेट। उसकी डेट है 1 सितंबर 2004। 1 सितंबर 2004। हाँ जी, समय बताइए। जी, समय है 10:33 सुबह के। हाँ, सुबह के जी। जन्म स्थान बोलिए। जन्म स्थान है शाजापुर, मध्य प्रदेश। जी, और क्या जानना चाहेंगे, सवाल बोलिए। जी, मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले कॉल लगाया था, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ और मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ भी नहीं थी, तो आपने मुझे कुछ उपाय बताए थे, उन पर भी हो, लेकिन क्या मतलब अपनी बेटी के डेट से मतलब माता पिता का मतलब वो जान सकती हूँ, और अपनी बेटी का मतलब भविष्य जान सकती हूँ, कैसा रहेगा, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से होगी? जी जी जी, अवश्य जान सकते हैं। आपको तो बताना चाहता हूँ, आपकी बेटी की कुंडली पर सबसे पहले बात करना चाहता हूँ। बच्ची की कुंडली प्रभावशाली है। बच्ची का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर हुआ है। तीसरे चरण में इस बच्चे का नक्षत्र का स्वामी का जन्म है। लग्न में केतु। दशम घर में सूर्य राजयोग कारक है। दशमेश चंद्रमा षष्ठ भाव में, ऐसे में माता पिता का जीवन संघर्ष से परिपूर्ण है। दर्शकों, दशमेश जब भी षष्ठ भाव में हो, ऐसा जातक नौकरी के माध्यम से अपना जीवन यापन करता है, यानी नौकरी वह व्यक्ति जीवन में अवश्य करता है। सरकारी नौकरी की संभावना अवश्य होती है, प्रबल होती है, यदि दशमेश षष्ठ भाव में हो। दशमेश षष्ठ भाव में हो तो ऐसे में पिता को जीवन में कड़ा संघर्ष करना पड़ता है अपने आप को स्थापित करने में। इस कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसे में बच्चे को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत रहेगी, शरीर कष्ट की संभावना प्रबल रहेगी, जीवन में बार बार सिर की चोट लगने की संभावना प्रबल बनती है, इसके अलावा डाइजेशन की प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा है। इसकी कुंडली में बताना चाहता हूँ, नक्षत्र के स्वामी पंचमेश होकर भाग्य स्थान पर, यह बच्ची भाग्य की धनी है। इस बच्ची के भाग्य में उच्च कोटि के राजयोग बनते हैं शनि के प्रभाव से, उच्च विद्या के राजयोग बनते हैं शनि के प्रभाव से, लेकिन यह बच्ची और इसके पिता धर्म का पालन करें। दर्शकों, नवम भाव में शनि हो तो जातक और जातक के पिता दोनों को धर्म का पालन करना अनिवार्य है, नहीं तो शनि का राजयोग फलित नहीं होगा। इस कुंडली में 11वें स्थान पर सूर्य बुध का राजयोग है, जिसके प्रभाव से ये बच्ची दूरदर्शी है और उच्च विद्या की प्राप्ति करने में सक्षम है। बुध के प्रभाव से बच्ची सीए कर सकती है, जिसमें इसको अच्छी अवश्य सफलता मिलेगी और जीवन में नाम ख्याति की प्राप्ति होगी। बृहस्पति के प्रभाव से बच्ची अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की व आध्यात्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेगी। गुरु के प्रभाव से बच्ची विदेशों की यात्राएं करेगी, देश विदेश में नाम अर्जित व शोहरत अर्जित करेगी। आपने राहु केतु की शांति करनी है। यदि आप राहु केतु की शांति करते हैं तो इससे माता पर आने वाली विपत्ति टल जाएगी, बच्ची का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, सुंदर वैवाहिक जीवन होगा, जीवन में बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, पिता को जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। चंद्रमा कुंडली में षष्ठ भाव में, ऐसे में माता को भी चिंता 24 घंटे लगी रहती है। इनकी माता सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। इसके अलावा पिताजी इसके फादर 800 ग्राम काली ओडल 8 शनिवार मंदिर में जाके दान करें। बच्ची के हाथ से 8 किलो रांगा 8 किलो जौ वर्ष में एक बार बुधवार को बहते पानी में प्रवाह कर दें। किसी गरीब दरिद्र व्यक्ति को वर्ष में एक बार 4 मीटर नीला कपड़ा बच्ची अपने हाथ से दान करें तो इसका कल्याण होगा। 5.25 रत्ती का गोमेदक रतन बनवा के उसका लॉकेट बनवाएं, काले धागे में इस बच्ची को गले में धारण करवा दें तो अवश्य बच्ची की समस्याएँ दूर होंगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। दर्शकों, यदि कोई और समस्या आपकी हो तो आप सीधा फोन करें, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। एक कॉल फिर लेते हैं। हेलो, हाँ जी, हम गुरुजी जलंधर से बोल जी। आप किसके बारे में जानना चाहेंगे? हाँ गुरुजी, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। आप डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। हाँ जी, 16 अगस्त। 16 अगस्त, हाँ जी, 1983। समय बताइए। 84। हाँ जी, समय बताइए। हाँ जी, 1 बजे दोपहर के।
जी जन्म स्थान बोलिए। जी क्या जानना चाहेंगे, सवाल बोलिए अपना। गुरुजी मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरा अफेयर चलता है और वो लड़के के साथ मेरी शादी होगी या नहीं होगी, तो मुझे ये बताओ। गुरुजी फेस के ग्लो पर बताइए, कोई फेस का ग्लो आ जाए तो वो भी कोई। क्या बोला आपने, क्या बोला आपने, दूसरा सवाल क्या बोला? हाँ जी फेस पर ग्लो आ जाए गुरुजी। अच्छा फेस पर ग्लो, उपाय बताना और शादी के बारे बताना। जी जी जी, लड़के साथ शादी होगी या नहीं, लड़के का नाम बताएंगे मुझे आप? हाँ जी, उसका नाम है संजीव। एक से लेके 108 तक कोई भी एक नंबर बोले हैं जी। 30 नंबर। 30 नंबर बताना चाहता हूँ आपकी कुंडली पर बात करते हैं। आपका जन्म तुला लगन का है, लगन में शनि राजयोग कारक है, पंचम पर शुक्र का पूर्ण प्रभाव। दर्शकों जिस जाता ही कुंडली में दशम भाव में शुक्र हो, लगन में शुक्र हो, पंचम में शुक्र हो, ग्यारहवें स्थान पर शुक्र हो, तृतीय भाव में शुक्र हो, ऐसे में प्रेम विवाह की संभावना प्रबल होती है। प्रेम प्रसंग अवश्य चलते हैं ऐसे जातकों के, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। इनकी कुंडली में 11वें स्थान पर लगन के स्वामी शुक्र बैठकर पंचम पर पूर्ण प्रभाव डालते हैं। ऐसे में उच्च विद्या, सुंदर संतान का योग, अच्छी जीवन में राजयोग की प्राप्ति, प्रेम प्रसंग की संभावना और प्रेम विवाह होने का इस कुंडली में बहुत ही प्रबल योग बनता है। लेकिन आपकी कुंडली में सूर्य शनि का केंद्रस्थ भाव में होना एक दुखी वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। आपके भाग्य में विवाह का सुख बहुत ही अल्प बनता है। विवाह में बहुत ही उथल पुथल का योग है। प्रेम तो प्रेम प्रसंग का योग प्रबल था, आपका प्रेम प्रसंग हो गया, लेकिन विवाह होने में सूर्य व शनि के प्रभाव से बहुत ही इसमें मुश्किलें व अड़चने दिखाई दे रही हैं। माता पिता का विरोध, पारिवारिक अशांति, इसमें दोनों पार्टियों में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और अभी आने वाले 13 माह यदि आप उपाय कर लें तो प्रेम विवाह होने की संभावना बनती है। यदि 13 महीने का समय आपने निकाल दिया तो आपका ये रिश्ता टूट जाएगा। वैसे आपको बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूँ, आपकी कुंडली में एक से अधिक विवाह का योग बनता है। वैवाहिक जीवन आपके भाग्य में मध्यम है, वैवाहिक सुख आपके भाग्य में अल्प है। पति पत्नी में तनाव की स्थिति रहेगी, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। सूर्य के प्रभाव से आप बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी हैं व सूर्य के प्रभाव से माता पिता से टकराव आपकी कुंडली में संभव है। सबसे पहले सूर्य की पूजा करें। वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए पीपल कुंभ विष्णु जैसे विवाह की प्रक्रिया करें। नित्य सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम आदित्याय विद्महे मारतंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का एक माला लाल चंदन की माला पे नियमित जाप करें तो आपका कल्याण होगा। आपको बताना चाहता हूँ, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आप व जिस लड़के से आप प्रेम करते हैं दोनों सीधे हाथ की अनामिका उंगली में आप 7.25 रत्ती का ओपल धारण करें व सीधे हाथ की मध्यम उंगली में दोनों फिरोजा रत्न धारण करें। विवाह में आने वाली तमाम मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा सोमवार के दिन आप दोनों अपने गले में 2 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में धारण कर लें। ऐसा करेंगे लाभ मिलेगा। शुक्रवार से 41 दिन लगातार मस्तक पर आप कच्चे दूध का तिलक लगाएं। यह क्रिया आप भी करेंगे, जिससे आप प्रेम करते हैं वह भी करेंगे। इसके अलावा शनिवार को बरगद के वृक्ष पर सूर्योदय काल में 2 अगरबत्ती लगाएं व 7 परिक्रमा कर लें। यदि यह सब उपाय कर लेंगे तो आपके विवाह में कोई बाधा नहीं आएगी। आपके फेस पर ग्लो आए, आपके सुंदरता में वृद्धि हो, आपके जीवन में सुख समृद्धि हो, आपको मनोवांछित जीवन में फल की प्राप्ति हो, उसके लिए पुष्य नक्षत्र में आप श्वेत आर्क की जड़ चांदी के ताबीज़ में अभिमंत्रित करके अपने गले में धारण कर लें तो आपकी सुंदरता में वृद्धि होगी। और दर्शकों जो जातक चाहते हैं कि जो लड़कियां चाहती हैं उनके फेस में ग्लो आए, उनकी सुंदरता में वृद्धि हो, तो श्वेतार्क की जड़ आप पुष्य नक्षत्र में चांदी में अभिमंत्रित करके योग्य विद्वान से अभिमंत्रित करवाएं और उसको अपने गले में धारण कर लें। ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। दर्शकों समय है एक ब्रेक का। गाय बचेगी धर्म बचेगा, धर्म बचेगा राष्ट्र बचेगा, देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है। गुरुजी ने मूर्थल सोनीपत हरियाणा में गौशाला निर्माण का दृढ़ संकल्प लिया है। यदि आप भी इसमें अपना सहयोग करना चाहते हैं व अपनी मेहनत की कमाई का कुछ अंश इस परम पुण्य कार्य पर खर्च करना चाहते हैं तो कृपया संपर्क करें। हमारी गौशाला का नाम है महर्षि अंगरिश गौशाला। आप इन नंबरों पर दान की घोषणा कर सकते हैं 0130-645-0555, 0130-653-2640। खुशखबरी दर्शकों और श्रद्धालुओं के लिए अपार खुशखबरी। दर्शकों पेश है आपके लिए ज्योतिष संजीवनी। प्राणियों की भलाई और जगत के कल्याण के लिए हजारों लोगों के आग्रह पर हम लाए हैं आपके लिए
गुरुजी पंडित एन राजेंद्रन कृष्ण द्वारा निर्मित ज्योतिष का अमूल्य उपहार ज्योतिष संजीवनी। मेरी कुंडली में लिखा था इनसे मिलना, मेरी तकदीर में लिखा था गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के मार्गदर्शन से मेरी जिंदगी में बहुत सी तब्दीलियां आई हैं। दुखद व्यक्ति आता है कि हमने गुरुजी ये भी उपाय कर लिए, हमने ये भी उपाय कर लिए, हम इतने पंडितों के पास घूम के आए हैं लेकिन कहीं कोई काम नहीं बन रहा। दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ज्योतिष संजीवनी यही एक हमने ऐसी सोच बनाई कि कैसे ऐसे कोई ऐसा निर्माण किया जाए किसी ऐसे ग्रंथ का जिससे हर व्यक्ति घर बैठे उसका पूरा लाभ उठा सके। पाराशर पद्धति से निर्मित संपूर्ण जन्म पत्रिका और लाल किताब का नायाब मिश्रण जो आपके संपूर्ण भाग्य को बदल देगा। ज्योतिष संजीवनी, इस ज्योतिष संजीवनी के अंदर आप पाएंगे अपने संपूर्ण जीवन का विस्तृत विवरण। ज्योतिष संजीवनी, इसमें पराशर पद्धति लाल किताब दोनों का एक मिश्रण होगा। जीवन का संपूर्ण विश्लेषण, विद्या बुद्धि स्वास्थ्य सफलता योग व फल प्राप्ति हेतु लाल किताब में है अचूक उपाय। लाल किताब एक ऐसा ग्रंथ है जिसके उपाय बहुत सस्ते व बहुत अचूक होते हैं। कुछ ही यानी आपने एक हल्दी पानी में प्रभा कर दी तो उसका भी आपके जीवन में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। आपने एक कच्चा दूध कुछ दिन शिवलिंग पर चढ़ा दिया, उसका महत्व होगा। आपने एक चांदी का चोको टुकड़ा पानी में प्रभा कर दिया, उसका महत्व होगा। आपने मुट्ठी भर कोई किसी प्रकार की कोई दाल या डिफरेंट इसमें उपाय होते हैं, हर ग्रह के अलग सामग्री होती है। थोड़ा थोड़ा यानी मुट्ठी भर कोई चावल चीनी प्रवाह करने मात्र से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। आपके सर्व अनिष्ट कष्ट बाधा दारिद्र्य मुक्ति का पूर्ण समाधान है इस लाल किताब में। ज्योतिष संजीवनी में आप प्राप्त करेंगे इस ज्योतिष संजीवनी के अंदर संपूर्ण जीवन की विस्तृत जानकारी, हर ग्रह का पूर्ण फल, हर नक्षत्र का फल, हर योगों का फल, कुंडली में कितने योग क्यों ना हो। दर्शकों आप सब जानते हैं योगों पर मैंने बहुत बोला है, पिछले 5 वर्षों से लगातार योगों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्या योग कुंडली में होते हैं, कैसे हमें जीवन में दुख सुख की प्राप्ति होती है। यदि किसी व्यक्ति की किसी कैंसर में मृत्यु हो रही है तो ये भी उसकी कुंडली में योग है। यदि कोई व्यक्ति टीबी से मर रहा है तो ये भी उसकी कुंडली में योग है। यदि कोई व्यक्ति हृदय की बीमारी से मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, यह भी योग है। या किसी व्यक्ति किडनी फेल हो रही है तो क्यों फेल हो रही है, ये सब पहले बताया जा सकता है। दर्शकों इस ज्योतिष संजीवनी में आपको समस्त अच्छे बुरे योगों की जानकारी प्राप्त होगी। यदि आप घर बैठे ही ये सुनहरा अवसर प्राप्त करना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 09813543326 पर। बताएं अपनी पूरी डिटेल और प्राप्त करें गुरुजी द्वारा निर्मित 500 पन्नों की लाल किताब, साथ ही गुरुजी के हाथों से विशेष तौर पर आपके लिए बनाई गई पाराशर पद्धति की संपूर्ण जन्म पत्रिका और एक सीडी जिसमें होगा गुरुजी की आवाज में आपका संपूर्ण भविष्य ग्रह योग फल व अचूक चमत्कारिक उपाय जिसे आप घर बैठे ही सुन सकते हैं बार बार। ज्योतिष संजीवनी एक सीडी जिसमें मेरी आवाज में आपकी कुंडली का संपूर्ण ग्रहों का आपका समाधान पूर्ण रूप से आप घर बैठे सुन सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं। ज्योतिष संजीवनी जब आप किसी ऑडियो सीडी आप अपने घर में चलाएंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे आप मैं आपके सामने बैठ के आपकी कुंडली पर विवेचना कर रहा हूं। गुरु जी की बातों में, गुरु जी की आंखों में एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसी रोशनी है कि ये जो भी कहते हैं, ये जो भी आपको आदेश करते हैं या आपको राय देते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये अपनी आत्मा के अंदर से बोल रहे हैं। हमारे इस पैकेज का नाम है ज्योतिष संजीवनी जिसमें इन सब के साथ ही प्राप्त होगी एक चमत्कारिक पोटली बिल्कुल मुफ्त। आपको अपनी समस्याओं का पता लग गया, आपको अपनी ग्रहों के बारे में जानकारी मिल गई, आपको अपनी दशाओं के बारे में जानकारी, अब इसका समाधान कैसे, तो साथ में आपकी कुंडली में जौन से बुरे ग्रह उनको शांत करने के लिए, जौन से शुभ ग्रह उनको प्रबल करने के लिए, राजयोगों का फल प्राप्त करने के लिए और इस योगों से मुक्ति पाने के लिए कैसे आपकी समस्याओं का समाधान होगा, तो आपके कुंडली के अकॉर्डिंग हमने उसका पूर्ण एक समाधान पैकेज तैयार किया जिसे घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। और उसको प्राप्त करने के बाद जैसे आप उसका इस्तेमाल करेंगे फिर आपको किसी ज्योतिषी के पास भटकने की आवश्यकता नहीं है, करें और जीवन को सुखी बनाएं। इस चमत्कारिक पोटली में मिलेगा आपको रत्न रुद्राक्ष और संपूर्ण समाधान कारक यंत्र जो बदल देगा